ये गोल्ड और सिल्वर मेडल मिले हैं, फोटो में दिखाओ, मैं इतना जबरदस्त जो है बहुत टेक्निकल बता दूं ये मेडल। हाय एवरीवन, जैसे आप सबको पता है कि मैं ओली में हूँ। ओली बहुत ही सुंदर जगह है और ये है 9200 फीट अबव सी लेवल। तो ओली में जो रोपवे है, जो चेयर लिफ्ट है, वो एशिया का सबसे हाईएस्ट और सबसे लंबा है। तो वो चेयर लिफ्ट लेके मैं आई हूँ ऊपर। अराउंड 5-7 मिनट लगते हैं। तो नीचे से टिकट मिलती है 500 रुपीज़ की, तो वो लेके मैं ऊपर आई हूँ। और आज मैं अपने वीडियो में कवर करूँगी स्नो एक्टिविटीज़ जो मैंने करी। स्नो एक्टिविटीज़ तो काफ़ी है, जो मेजरली मैंने कवर करी है वो है फर्स्ट स्कीइंग। मेरे को स्कीइंग बिल्कुल नहीं आती। बहुत साल पहले मैंने गुलमर्ग में ट्राई करी थी, बट इस बारी मैंने ढंग से सीखी है। एंड सीखने में इट टुक मी 2-3 आवर्स। उसमें मैं सीख गई और मैं खुद स्की कर पा रही थी बेसिक एंड बहुत अच्छे से कर पाया, जिसमें वो आपको स्की गियर्स, शूज़ सब कुछ आपको देते हैं। एंड मैंने पूरे दौरान अपना स्नो सूट पहना हुआ था, विच वॉज़ वेरी नाइस। और सेकेंड मैंने जो करा वो करा ATV। ओफो, ATV में तो बिल्कुल ही मज़ा आ गया। प्लस यहाँ पे ये जो डॉग्स मुझे मिल गए, इनके साथ तो और ही मज़ा आ गया। तो फिर मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कवर करा है। एंड द बेस्ट थिंग इज़, जो यहाँ पे ओली में स्कीइंग करते हैं, ये टूरिस्ट तो करते ही करते हैं, पर जो IDPP के होते हैं प्रोफेशनल्स, जो हमारे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करती है। एंड यहाँ से आपको माउंटेन रेंज इतना सुंदर दिखता है, प्लस यहाँ से नंदा देवी दिखती है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। सो लेट्स गो। ये है ओली का टॉप, जहाँ पे मेजरली सारे बिगनर्स स्कीइंग करते हैं। ये एकदम चेयर लिफ्ट से उतरते ही आता है। यहाँ पे ढाबा है, मैगी मिलती है, लोग बहुत करते फिरते हैं स्कीइंग करते हुए, विच इज़ नॉर्मल और बिल्कुल चोट नहीं लगती। प्लस स्नो इतनी ज़्यादा है, देख के मज़ा आ गया। और अभी अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है, सो परफेक्ट डे टू डू द स्नो एक्टिविटीज़। तो चलिए मैं नीचे चल के देखती हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके करूँगी, मुझे बहुत ही अच्छी शॉप मिली है। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊँगी उसके बारे में। यहाँ पे ये टायर राइड भी होती है, आप आराम से टायर पर बैठो और आपको जूम नीचे लेके जाते हैं, ऊपर लेकर आते हैं, बहुत मज़ा आता है। आप इधर तो बताना। तो मुझे ATV क्या, मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती अच्छे से, तो मैं काफ़ी घबरा रही थी। बट इन्होंने बड़े अच्छे से मुझे समझाया, पूरा 4x4 सब कुछ लगा के दिया था। इनिशियली तो मैं बहुत हौली हौली धीरे धीरे चला रही थी, समझने के लिए कि कैसे ये स्नो से जा रही है। नीचे कीचड़ बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो देखते हैं कैसे मैंने किया परफॉर्म। क्या बात है, अभी तक तो थोड़ा मैं ठीक ठाक ही चला रही हूँ। और आप देख सकते हो एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, तो ओफो मज़ा आ गया। जो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये कोच है जिन्होंने मुझे स्कीइंग भी सिखाई और मुझे इसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ी सी नीचे की तरफ और फिर उधर जाके देखते हैं आगे कैसे चलाती हूँ मैं। ठीक है, वाह।
वाओ, यहाँ से नंदा देवी का व्यू इतना अच्छा आ रहा है। लेफ्ट पे देखिए आप, पूरी माउंटेन रेंज कैमरा में इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी एक्चुअल में रियलिटी में थी। अब मैं एंड पे तो पहुँच गई जहाँ तक थोड़ा सा ट्रैक बना रखा था। अब मेरे लिए टास्क था कि इसको यू टर्न कैसे करें, क्योंकि जो स्नो थी वो इतनी ज़्यादा डीप थी एंड पूरा स्लश तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा था, प्लस मुझे मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने बैक करने के लिए हेल्प मांगी, तो फिर वो जल्दी से मेरे पास आए एंड इन्होंने मेरी हेल्प करी। तो यहाँ से पूरा यू टर्न लिया, यू टर्न लेके फिर उसके बाद मैंने कहा फिर मैं वापस लेकर आऊँगी। तो आते वक्त मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि एक राउंड मैंने फर्स्ट टाइम जब किया थोड़ा मुझे समझ में आया कि ठीक है ATV ऐसे चलता है। एंड बहुत ही पावरफुल था, मतलब मुझे बहुत ही कम रेस देनी पड़ रही थी एंड वो पूरा स्लैश हवा में उड़ाते हुए आ रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं वापस कैसे आई, तब तक ये यू टर्न करते हैं। ऑल राइट गाइस, अब ट्रेंड ATV ड्राइवर आ रहा है पूरी मिट्टी उड़ाते हुए, बस आप देखते जाइए। 3, 2, 1 हियर आई कम। फर्स्ट क्लास ऑफ स्की एंड धड़ाम नीचे गिर गई, बट नेवर गिव अप। इसको उठा के ऊपर लाना होता है, एक टेक्निक होती है कैसे उठाते हैं, उसे बाहर ही नहीं लगता, बट बड़ा मुश्किल होता है ऊपर उठा के लेकर आओ। बट चलिए, मैं ऊपर वापस लेके पहुंच गई हूँ एंड फिर से कोशिश करेंगे। एंड दिस टाइम बस सही जा रही हूँ। इसकी टेक्निक होती है बैलेंस बनाने की, जो सबसे ज़रूरी होता है, आपको आगे बेंड करना होता है। ये देखिए मेरा बैलेंस, ये बिगड़ा, बट मैं गिरी नहीं, बैलेंस पे कर लूँगी बट गिरूँगी नहीं, बहुत गिरी थी मैं शुरू में। तो जो स्की का होता है सारा फंडा होता है बैलेंस का, आपको आगे झुकना होता है एंड पूरा नीज पे देना होता है अपना पूरा का पूरा वेट। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है जैसे हम गिरने वाले होते हैं तो हम वेट पीछे डाल लेते हैं, बट नहीं, इसमें सीक्रेट है कि पूरा वेट आगे रखिए और आप बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अगर आपको लेफ्ट की तरफ जाना है तो राइट पे थोड़ा सा वेट डालिए, और राइट की तरफ जाना है तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ डालिए। बस अगर आप ये सीख गए और बीच में लोग नहीं आए तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। अब आप देखिए मैंने कैसे किया है, मैंने सुबह स्टार्ट किया था अराउंड 10 o'clock सीखा एंड बाय 4 o'clock इवनिंग दिस इज़ मी, हियर आई गो। गाइस ओली की जो बेस्ट शॉप है जहाँ पे मैंने स्कीइंग सीखी, मैं तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो है एकदम क्लिफ टॉप के सामने और केबल काट के सामने। तो मैं आपको मिलवाती हूँ, ये है वो एक्सपर्ट, ये है एक्सपर्ट जिनकी है ये शॉप, तो ये बताएगी थोड़े से अपने बारे में। हाँ जी, मेरा नाम भूपी कौन है, आप जल्दी उत्तराखंड का, मैं यहाँ पर रहता हूँ। ये आपका जो दिख रहा है एक नंबर पॉइंट पे मेरी शॉप है, विंटर स्पोर्ट्स क्लब नाम का मेरी कंपनी है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर मैगी वगैरह मिलती है, बिस्लेरी फ्रूटी वगैरह जो मिलते हैं। फिर यहाँ पर मैं ट्रैकिंग का काम करता हूँ, विंटर में आपका स्कीइंग, आजकल मैं आपका स्नो में स्कीइंग वगैरह कराता हूँ, स्नो बोर्डिंग कराता हूँ, आपको देख रहे हुए ATV भी कराता हूँ मैं सभी लोगों को।
और इनके पास मेडल भी है, मेडलिस्ट भी है ये। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये मैंने हटा के हैं, ये गोल्ड और सिल्वर मेडल मेरे हैं। ये मेडल है मेरे। अगर आप स्कीइंग आएंगे मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी अब यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी जगहों से मेडल मार चुका हूँ। गुलमार्ग हो गया, हिमाचल हो गया, अपना स्टेट उत्तराखंड हो गया, फिर प्रेजेंट में मैं खुद करता हूँ। अब मैंने स्कीइंग कॉम्पिटिशन छोड़ के अब मैं कोच बन गया यहाँ पर, तो मैं लोगों को स्कीइंग वगैरह सिखाता हूँ। जैसे आपके पास बिगिनर्स आते हैं, जैसे मैं थी हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो उस जगह के लिए आने के लिए बेस्ट प्लेस है अगर आप टूरिस्ट है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आना। मैं आपको बाहर से शॉप दिखाती हूँ कहाँ पे। तो सामने हो रही चेयर कार, वहाँ से आप ट्रैक करते हुए आना क्लिफ टॉप के पीछे, और एकदम सामने यहाँ पे बस आंखें बंद करके आप इस शॉप पे आ जाना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।